हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के जो फिक्स्ड पर्सनल पे के प्रोविजंस हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ क्लॉज 14 बाइपार्टाइट सेटलमेंट 29 अक्टूबर 1993 और कुछ और बाइपार्टाइट सेटलमेंट हैं उनको अमेंड करते हुए जो फिक्स्ड पर्सनल पे रहेगा 1 नवंबर 2022 से, वो इस प्रकार से रहेगा। तो देख लेते हैं क्या रहेगा। एरिया ऑफ पोस्टिंग, टोटल फिक्स्ड पर्सनल पे पेबल वेयर बैंक्स अकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड। तो दो सिचुएशन है जहां बैंक अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करता। और टोटल फिक्स्ड पर्सनल पे वेयर बैंक अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, और उसके अंदर इंक्रीमेंट कंपोनेंट कितना होगा। सो क्लरिकल स्टाफ के लिए है ये, ऑल सेंटर्स के ऊपर उनको जहां अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं हो रही उनको ये पे मिलेगा 3155, और जहां अकोमोडेशन मिलेगा तो वहां 2880, और जो इंक्रीमेंट कंपोनेंट होगा वो होगा 2680 का। सो इसी को अगर हम क्लरिकल स्टाफ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एट ऑल सेंटर्स जहां कोई अकोमोडेशन उनको नहीं दिया गया 1585, जहां अकोमोडेशन दिया गया है 1445, और इंक्रीमेंट पर्पस के लिए 1345 का वैल्यू है। ओनली दोज एम्प्लॉयज हु आर इन सर्विस ऑफ द बैंक ऑन और बिफोर दिस डेट विल बी एलिजिबल फॉर FPP 1 ईयर आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम स्केल ऑफ पे दे आर प्लेस्ड इन। तो ये रूल का भी ध्यान रखना है। दोज ज्वाइंट द बैंक ऑन और आफ्टर 2 नवंबर 1993 दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस फिक्स्ड पे। इंक्रीमेंट कंपोनेंट ऑफ FPP शैल रैंक फॉर सुपर एनुएशन बेनिफिट्स ऑल्सो। तो जो फिक्स्ड पर्सनल पे है तो ये ध्यान रखेंगे कि इन केसेस में वो अवेलेबल है। तो जिन्होंने 1 नवंबर 1993 तक बैंक सर्विस को ज्वाइन किया, सो इट इज अवेलेबल इन दोज केसेस ओनली। अब हम बात करते हैं ऑफिशिएटिंग पे की। सो ऑफिशिएटिंग पे फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, ऑफिशिएटिंग पे क्या रहेगी। ए वर्कमैन एम्प्लॉय ऑफिशिएटिंग इन द पोस्ट ऑफ क्लर्क और ऑफिसर इन JMG 1 ईदर फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 4 डेज और एग्रीगेट ऑफ 4 डेज इन ए कैलेंडर मंथ, तो इनको ऑफिशिएटिंग पे मिलेगी 15% ऑफ बेसिक पे ऑफ पर्सन ऑफिशिएटिंग and same will be payable prorata for each day of such officiating plus applicable allowances। यानी officiating pay sub staff अगर officiate करता है as clerk या clerical staff officiate करता है as JMG 1 continuously 4 दिनों तक या 1 महीने के calendar month के अंदर एग्रीगेट 4 दिनों तक, तो उसको स्पेशल पे मिलेगा, ऑफिशिएटिंग पे मिलेगा 15% के रेट से। और 15% ये किसका होगा। सो जिस पोस्ट के लिए वो ऑफिशिएट कर रहा है उससे बेसिक पे ऑफ द पर्सन ऑफिशिएटिंग एंड सेम शैल बी पेबल ऑन प्रोरेटा फॉर ईच डे ऑफ ऑफिशिएटिंग प्लस एप्लीकेबल अलाउंस। तो ये रूल है ऑफिशिएटिंग पे के। अब डियरनेस अलाउंस DA के रूल्स क्या हैं। सो फ्रॉम 1 नवंबर 2022, सो DA के रूल्स ये रहेंगे। 1% ऑफ पे
पर परसेंटेज पॉइंट ऑफ इंडेक्स, सो इंडेक्स के जो पॉइंट्स होंगे उनसे रिलेट हो जाएगा 1% ऑफ पे पर पॉइंट ऑफ इंडेक्स। सो पे में क्या क्या इंक्लूड होगा ये ऑलरेडी हम एक अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। डियरनेस अलाउंस शैल बी पेड फॉर एवरी वेरिएशन ऑफ राइज और फॉल ओवर 123.03 पॉइंट्स इन द क्वार्टरली एवरेज ऑफ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स बेस जिसका है 2016 100। तो ये 1% रहेगा इन चेंज इन डीए ऑन पे ऑफ एवरी सेकेंड डेसिमल प्लेस ऑफ 2016 ओवर दिस, यानी इसके ऊपर जो सीपीआई होगा तो उसके बेसिस इसको पे किया जाएगा। चेंज इन डीएनएस अलाउंस विल बी रिलीज्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस, तो ये पहले से भी वही सिचुएशन है, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर इस चेंज को रिलीज किया जाएगा, 1 मई को, 1 अगस्त को, 1 नवंबर को, 1 फरवरी को। सो 1 मई जो है जो डीए की डेट रिलीज रहेगी वो क्वार्टरली एवरेज ऑफ सीपीआई पॉइंट ऑफ द मंथ जनवरी फरवरी मार्च को कवर करेगा, एवरेज इन महीनों की ली जाएगी, और डीए जो पे किया जाएगा मई जून और जुलाई के महीनों के लिए पे होगा। क्वार्टरली एवरेज जो अप्रैल मई जून की होगी उसके लिए डीए अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर के लिए पे किया जाएगा, जुलाई अगस्त और सितंबर की जो एवरेज होगी, सो 1 नवंबर से जो डेट ऑफ रिलीज होगा तो वो नवंबर दिसंबर एंड जनवरी के लिए, और 1 फरवरी को जो रिलीज किया जाएगा उसका एवरेज रहेगा अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का, और इसका बेनिफिट दिया जाएगा फरवरी मार्च एंड अप्रैल के महीने के लिए। और साथ में ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि डीए के ऊपर डीआरएनएस अलाउंस के ऊपर कोई सीलिंग नहीं रहेगी, ऑल अदर एग्जिस्टिंग प्रोविजन रिलेटिंग टू डीए स्कीम वो जैसे पहले थे वो एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। वाइल वर्किंग आउट क्वार्टरली एवरेज अप टू 1st 2 decimal विल बी कंसिडर्ड, तो जब भी क्वार्टरली एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा तो उसमें 1st 2 decimal तक उसको कंसिडर किया जाएगा। तो ये रूल थे रिलेटिंग टू डियरनेस अलाउंस। नो अब हम बात करेंगे हाउस रेंट अलाउंस की। 1 नवंबर 2022 से जो हाउस रेंट अलाउंस है सबॉर्डिनेट स्टाफ या क्लरिकल स्टाफ को, तो वो सभी सेंटर्स के ऊपर अवेलेबल रहेगा 10.25% पे का, और इस पर्पस के लिए पे ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं एक अलग वीडियो के अंदर। तो नो मिनिमम नो मैक्सिमम, यानी अमाउंट नहीं देखा जाएगा परसेंटेज देखा जाएगा, और पे ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं क्लॉज 7 के अंदर। वेयर क्वार्टर्स आर नॉट प्रोवाइडेड एच आर एल शैल नॉट बी पेएबल, सो जहां क्वार्टर्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो वहाँ एच आर ए हाउस रेंट अलाउ पेएबल नहीं होगा, एंड जो रेंट रिकवर किया जाएगा वो रहेगा 0.15% ऑफ 1st stage ऑफ स्केल ऑफ पे। तो क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉई को क्वार्टर दे दिए गए हैं, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन दे दी गई है, तो उनको एच आर ए नहीं मिलेगा, रादर उनकी सैलरी में से 0.15% कटेगा 1st stage ऑफ स्केल ऑफ पे उससे। All other existing provision relating to house rent allowance shall remain same, provided further that when a workman employee is transferred out of station other than on account of a request in lieu of HRA as above, claim reimbursement of house rent up to 150% of HRA otherwise payable subject to submission of self-declaration for having incurred the said amount. So, agar kisi workman employee ko ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वो ट्रांसफ़र उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर नहीं है, तो उस केस में एचआरए की बजाय उसको क्या मिलेगा, जो ऊपर हम बात कर चुके हैं,
रीइंबर्समेंट ऑफ हाउस रेंट अप टू 150% ऑफ एचआरए अदरवाइज पेएबल, और उसके लिए उसको केवल सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल अलाउंस की। सो स्पेशल अलाउंस इट विल बी 26.50% ऑफ बेसिक पे विद एप्लीकेबल डीए। स्पेशल अलाउंस विद एप्लीकेबल डीए देयर ऑन शैल नॉट रिकॉन फॉर सुपरएनुएशन बेनिफिट्स, तो ये भी ध्यान रखना है। तो स्पेशल अलाउंस जो है वो सुपरएनुएशन बेनिफिट जैसे पेंशन एटसेट्रा है उस पर्पस के लिए एलिजिबल नहीं होगा। नाउ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। सो फ्रॉम 1 नवंबर 2022, सो ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या रहेगा, चाहे वो क्लरिकल स्टाफ है चाहे वो सबॉर्डिनेट स्टाफ है, सभी के लिए। सो इट विल बी 850 पर मंथ विद एप्लीकेबल डीए देयर ऑन। तो दिस मीन इसके ऊपर डीए अवेलेबल रहेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस विल बी एप्लीकेबल विद एप्लीकेबल डीए देयर ऑन शैल नॉट बी रिकॉर्ड फॉर सुपर एनुएशन बेनिफिट्स। तो जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो सुपर एनुएशन बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल नहीं होगा, जैसे पेंशन एटसेट्रा है उनके लिए एलिजिबल नहीं होगा। दिस प्रोविजन बाय इटसेल्फ विल नॉट परक्लूड पेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग अलाउंस ऑफ दिस नेचर पेड एज ए रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइंस और बैंक लेवल सेटलमेंट। ऑलरेडी अगर उसको मिल रहा है कुछ और बेनिफिट किसी एम्प्लॉय को, तो उसको वो एज इट इज मिलता रहेगा। कन्वेयंस अलाउस पेएबल टू एम्प्लॉयज हु आर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी विल बी ओवर एंड अबव ट्रांसपोर्ट अलाउंस पेएबल। तो ऐसे डिसेबल एम्प्लॉय जो एक पर्टिकुलर बेंचमार्क से जिनकी डिसेबिलिटी है, तो उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस उनके कन्वेयंस अलाउंस के साथ एज इट इज मिलता रहेगा। अब कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस बिकॉज ऑफ ब्रेकेज एंड डैमेज टू गुड्स ऑन ट्रांसफर। अगर किसी एम्प्लॉय की ट्रांसफर होती है और ड्यूरिंग ट्रांजिट लॉसेस होते हैं या ब्रेकेजेस होते हैं, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन का अमाउंट क्या होगा। वेयर एम्प्लॉई प्रोड्यूसेज रिसीट और स्टेटमेंट ऑफ लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रेकेज, तो उसको मिलेंगे क्लरिकल स्टाफ को 2000, सबॉर्डिनेट स्टाफ को 1400। वेयर नो रिसीट और लॉस इज प्रोड्यूस्ड, तो वहां पे लंप सम मिलेगा क्लरिकल स्टाफ को 1400, सबॉर्डिनेट स्टाफ को 1000। इसके बाद हम बात करेंगे हॉल्टिंग अलाउंस की। सो हॉल्टिंग अलाउंस के प्रोविजन क्या है। सो हॉल्टिंग अलाउंस प्लेसेस विद पॉपुलेशन ऑफ 12 लाख एंड अबव एंड स्टेट ऑफ गोवा, प्लेसेस विद पॉपुलेशन ऑफ 5 लाख एंड अबव एंड स्टेट कैपिटल, कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड नॉट कवर्ड इन कॉलम ए, जो यहाँ पे कवर्ड नहीं है, और अदर प्लेसेस। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के प्लेसेस है हॉल्टिंग अलाउंस के पर्पस के लिए। सो क्लरिकल स्टाफ को 1500 रुपीज मिलेंगे पर डे इन प्लेसेस के ऊपर जहाँ पॉपुलेशन 12 लाख है या उससे ऊपर है या गोवा है। और अगर ये प्लेस बी कैटेगरी के अंदर है जहाँ पॉपुलेशन 5 लाख या उससे ऊपर है, तो 1350 मिलेंगे पर डे और अदर प्लेसेस के ऊपर 1000 पर डे। तो ये होगा क्लरिकल स्टाफ के लिए। सबॉर्डिनेट स्टाफ के लिए 12 लाख एंड अबव पॉपुलेशन या गोवा 1100 पर डे, 5 लाख पॉपुलेशन या ये स्टेट कैपिटल या कैपिटल ऑफ यूटीज जो इसमें ए में कवर्ड नहीं है, तो 900 पर डे, और बाकी प्लेसेस के ऊपर 600 पर डे। ये है हॉल्टिंग अलाउंस।
प्रोवाइडेड दैट एम्प्लॉय कैन ऑल्सो क्लेम लॉजिंग एक्सपेंसेस. तो लॉजिंग एक्सपेंसेस एम्प्लॉय क्लेम कर सकता है ऑल्सो. बाय प्रोड्यूसिंग होटल रेंट रिसीट, तो ये उसकी सीलिंग रहेंगी. तो ए ग्रुप के अंदर जहां पॉपुलेशन 12 लाख या उससे ऊपर है या वो गोवा स्टेट है, तो क्लरिकल स्टाफ को 3000 पर डे, सब स्टाफ को 1500 पर डे. यहां पॉपुलेशन 5 लाख या उससे ऊपर है या वो स्टेट कैपिटल हैं या यूटी कैपिटल्स हैं, तो उन केसेस में 2500 पर डे क्लरिकल स्टाफ के लिए, 1250 इन केस ऑफ सब स्टाफ. अदर प्लेसेस के ऊपर 2000 पर डे क्लरिकल स्टाफ एंड 1000 पर डे इन केस ऑफ सब स्टाफ. और इसके साथ ये रिलेटेड रूल्स भी हैं. प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ होटल रेंट बोर्डिंग चार्जेस एट 35% ऑफ हॉल्टिंग अलाउंस शैल बी पेएबल. इन सेंट्रल स्टेशन विद पॉपुलेशन 12 लाख एंड अबव हॉल्टिंग अलाउंस जो ऊपर ए में हमें बताया गया था, शैल बी पेबल टू एन एम्प्लॉय अपॉन डेपुटेशन टू अनदर ऑफिस और ब्रांच विद इन सेम म्यूनिसिपल लिमिट्स अर्बन एग्लोमेरेशन इफ डिस्टेंस ऑफ सच डेपुटेशन इज 20 किलोमीटर या उससे ज्यादा है फ्रॉम द पेरेंट ब्रांच. तो ये हो गया हमारा हॉल्टिंग अलाउंस से रिलेटेड रूल्स. अब वॉशिंग अलाउंस. सो वॉशिंग अलाउंस जो रिवीजन है वो है 1 अप्रैल 2024 से. सो ये होगा 200 रुपीज पर मंथ वेयर वॉशिंग ऑफ लिवरी इज नॉट अरेंज्ड बाय द बैंक. सो जहां पे वर्दी बैंक वॉश करवा के नहीं देता, बैंक के अरेंजमेंट नहीं है, तो 200 पर मंथ उसके लिए ये अलाउंस मिलेगा. नाउ साइकिल अलाउंस एंड टू व्हीलर अलाउंस. तो ये भी 1 अप्रैल 2024 से ये रिवीजन है. तो कितना मिलेगा? सो ये अवेलेबल रहेगा मेंबर ऑफ सब स्टाफ हु आर रिक्वायर्ड टू यूज साइकिल और टू व्हीलर्स ऑन रेगुलर असाइनमेंट फॉर आउटडोर ड्यूटीज. तो ये अलाउंस रहेगा 150 रुपीज पर मंथ एट ऑल सेंटर्स. दिस अलाउंस विड नॉट बी पेड टू वर्कमैन मेंबर्स ऑफ सब स्टाफ एंटाइटल टू अलाउंस फॉर ए पीरियड ऑफ लीव वेयर सच लीव एक्सीड्स 30 डेज. तो अगर लीव का पीरियड 30 डेज से ज्यादा है तो उस केस में फिर ये अलाउंस उस पीरियड के लिए नहीं मिलेगा. अब डेपुटेशन अलाउंस. सो डेपुटेशन अलाउंस के जो रेट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? वर्कमैन एम्प्लॉय डिप्यूटेड टू सर्व आउटसाइड द बैंक टू एन ऑर्गेनाइजेशन इन ए डिफरेंट प्लेस अदर देन प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग. यानी बैंक के बाहर उसको डेप्यूट किया गया है और डिफरेंट प्लेस के ऊपर उसको डिप्यूट किया गया है. सो 7.750% ऑफ पे विद मैक्सिमम 3750. तो पर मंथ उसको ये डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा 7.75% ऑफ पे, ज़्यादा से ज़्यादा 3750. वर्कमैन एम्प्लॉय डिप्यूटेड टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन एट द सेम प्लेस. तो यहाँ पे प्लेस डिफरेंट था, यहाँ पे प्लेस सेम है. और टू द ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट नॉट ओन्ड बाय द बैंक. तो उस केस में इट विल बी 4% ऑफ दैट पे एंड मैक्सिमम रहेगा 1870. अब हम बात करेंगे हिल एंड फ्यूल अलाउंस की. तो हिल एंड फ्यूल अलाउंस जो रिवीजन है वो 1 नवंबर 2022 से है. ये ध्यान रखना है कुछ रिवीजन्स 1 अप्रैल 2024 से हैं, कुछ रिवीजन 1 नवंबर 2022 से हैं. एट प्लेसेस सिचुएटेड एट हाइट ऑफ 3000 मीटर्स एंड अबव. तो इट विल बी 8% ऑफ पे, मैक्सिमम 2850 पर मंथ. अगर वो प्लेसेस 1500 मीटर से ऊपर लेकिन 3000 मीटर से नीचे हाइट के ऊपर लोकेटेड हैं तो वहाँ पे 4% ऑफ पे, मैक्सिमम 1150 पर मंथ. और अगर वो प्लेसेस हैं
1000 की हाइट से ऊपर, 1000 मीटर की हाइट से ऊपर, 1500 मीटर्स तक, लेस देन 1500 मीटर्स, तो उनको मिलेगा 3% ऑफ पे, मैक्सिमम उनको मिलेगा 950 पर मंथ। सो ऑल एग्जिस्टिंग प्रोविजन इसके वो कंटिन्यू करेंगे। स्पेशल एरिया अलाउंस, स्पेशल एरिया अलाउंस का जो रिवीजन है वो 1 नवंबर 2022 से है। सो इसको पे किया जाएगा अकॉर्डिंग टू शेड्यूल नंबर 4। तो शेड्यूल नंबर 4 में ये डिटेल क्या है वो हम क्विकली देख लेते हैं। ये हमारे सामने शेड्यूल नंबर 4 है। तो इसमें स्पेशल एरिया अलाउंस अकॉर्डिंग टू प्लेस है एंड अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ पे है। सो पे बिलो 48,481 एंड पे अबब 48,481। तो मिजोरम के लिए ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उनमें अलग अलग उसका अमाउंट है। तो नागालैंड के अंदर, सो नागालैंड के अंदर सारी स्टेट के लिए एक जैसा है 4,100, 5,300। अंडेमान निकोबार के लिए नॉर्थ अंडेमान, मिडल अंडेमान, लिटिल अंडेमान, निकोबार एंड नारकोडम आइलैंड उनके लिए अलग है और साउथ अंडेमान उनके लिए अलग है, लेकिन अगर हम देखें तो सेम है, तो दोनों के लिए सेम है। सिक्किम के लिए 4,100, 5,300, लक्षद्वीप आइलैंड के लिए 4,100, 5,300, असम के लिए 1,200, मेघालय के लिए 1,200, त्रिपुरा के लिए जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं उनमें डिफरेंट है 4,100 एंड 5,300, और थ्रू आउट त्रिपुरा जो एक्सेप्ट डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं उन सभी में 2,700 एंड 3,400 है। मणिपुर स्टेट में 2,700 एंड 3,400, अरुणाचल में सभी जगह के ऊपर एक जैसा है, हालांकि उन्होंने इसका बाइफर्केशन किया डिफ़िकल्ट एरियाज थ्रू आउट अरुणाचल प्रदेश, सो 4,100 एंड 5,300 सेम है। अब यूनियन टेरिटरीज, सो यूनियन टेरिटरीज इसमें सभी जगह के ऊपर जब हम बात करते हैं कथुआ डिस्ट्रिक्ट की, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की, डोडा डिस्ट्रिक्ट की, जम्मू कश्मीर के अंदर बारमूला डिस्ट्रिक्ट की, इन सभी में एक जैसा है। तो यहाँ तक हम देख रहे हैं इन सभी में एक जैसा है, लेकिन पुंछ एंड राजौरी डिस्ट्रिक्ट और वो एरियाज जो ऊपर इंक्लूड नहीं किए गए तो उन दोनों जगह के ऊपर 2,700 एंड 3,400 है। लद्दाख की यूनियन टेरिटरी के अंदर सो इट इज़ 4,100 एंड 5,300। हिमाचल प्रदेश में सो अगर हम बात करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पंगी तहसील है और ये कुछ पंचायत और विलेजेस एरिया हैं, तो इन सभी के लिए 4,100, 5,300। भरमौर तहसील, झंडरू पंचायत, तो इनके लिए तो 4,100, 5,300 और इस पर्टिकुलर प्लेस के लिए 2,700, 3,400। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में तो 4,100, 5,300। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में तो ये कुछ एरिया हैं जहाँ पे 4,100, 5,300 हैं और बाकी एरियाज में 2,700 एंड 3,400 है। सो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4,100, 5,300। शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो कुछ एरिया में 4,100, 5,300 हैं और कुछ इसमें 2,700 एंड 3,400 हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में तो कुछ जगह के ऊपर 4,100, 5,300 हैं और कुछ जगह के ऊपर 2,700, 3,400 है। इसी तरह से ही मंडी डिस्ट्रिक्ट में 2,700, 3,400 है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में 2,734 हैं। सोलन डिस्ट्रिक्ट में 2,700, 4,000 हैं और रिमेनिंग एरियाज हिमाचल में 1,000 हैं, 1,200 है।
उत्तराखंड के अंदर चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत डिस्ट्रिक्ट में 4100 एंड 5300 हैं। वेस्ट बंगाल में साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में 1000 एंड 1200 हैं। तो ये है हमारे अलाउंसेस अकॉर्डिंग टू डिफिकल्ट एरियाज, तो जिसको हम कहते हैं स्पेशल अलाउंस एरियाज। इससे मोर और लेस हमारे जो अलाउंसेस वाले एरियाज हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और बाइपार्टाइट सेटलमेंट में जो बाकी रिमेनिंग एरियाज हैं उनको हम और वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।